नमस्कार मैं हूं आपकी नेब इंग्लिश टीचर और आज हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो किसी भी इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले बढ़ाया जाता है संज्ञा संज्ञा का मतलब है नाउन नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का वस्तु विशेष का देश का जाति का धर्म का किसी भी चीज का ना देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन इन द इंग्लिश लैंग्वेज पर मेरी बेसिक इंग्लिश की क्लास में हम सबसे कॉमन डिस्टिंगशन ही पढ़ेंगे और इस सबसे कॉमनशन को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है एक न्यूमॉनिक डिवाइस न्यूमोनिक डिवाइस मतलब आप किसी भी शॉर्ट फॉर्म को एक इस तरीके के सेंटेंस में डालते हो ताकि वो सेंटेंस आपको बहुत आसानी से याद रह सके न्यूमोनिक डिवाइस के थ्रू नाउन्स को याद रखने का मेरा तरीका ये है सी सी यू पी ए कॉमन क्रिमिनल्स आर नाउ अपस्टैंडिंग पोलिटिशियंस एक्टिंग क्लीन सी सी यूपीए सी सबसे पहले आता है सी सी यानी कॉमन नाउन यानी किसी भी प्रकार की व्यक्ति वस्तु आदि का जेनरल सा नाम. मेरा मानना है कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं तो आइए हम कॉमन नाउन को भी एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखें। कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बॉय गर्ल माइग्रेंट लेबरर एनिमी नेबर, बैंक एटसेट्रा ये सारे जनरल टर्म्स हैं, जिनके इस्तेमाल से हम यह दर्शाते हैं कि हम किस तरीके की चीज के बारे में बात कर रहे हैं नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स काउंटेबल नाउ एंड अनकाउंटेबल नाउ अब जाहिर सी बात तो यह है कि जो काउंटेबल नाउन है उसे गिना जा सकता है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसे नहीं गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं जैसे ट्वेंटी पॉलिटिशियंस वन रिजोर्ट तीन सौ करोड़ 5.12 मिलियन कोविड केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा और हाँ जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है इट डजेंट मीन दैट माइग्रेंट लेबरर्स जो कोविड 19 के दौरान जिनकी मौत हुई दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन नो दैट इज अकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल है रेन म्यूजिक राइस मिल्क ग्रोसरी स्टुपिडिटी एटसेट्रा नाउ ये तो रहे कॉमन नाउन्स और जैसे ही हम कॉमन से हटकर स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं हमें मिलते हैं प्रॉपर नाउंस। अगर कॉमन नाउन किसी चीज का जनरल नाम है तो प्रॉपर नाउन उसी चीज का स्पेसिफिक नाम है जैसे कॉमन नाउन हुआ बॉय और स्पेसिफिक नाम हुआ कन्हैया कुमार कॉमन नाउन हुआ बैंक और प्रॉपर नाउन हुआ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जी हाँ एक से अधिक संज्ञाएं जुड़कर भी एक संज्ञा बना सकती हैं। वो सारे नाम भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जिनको दिल्ली पुलिस ने में, दिल्ली रायल्स के किसी भी चार्जशीट में इंक्लूड नहीं किया है जैसे कि अनुराग ठाकुर परवेश वर्मा कपिल गुज्जर या वो माइनर लड़का जिसने जामिया में गोली चलाई थी ये सारे नाम जो है ये सारे नाम भी प्रॉपर नाउन्स में आते हैं देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउंस को एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई स्वरूप ना हो ठोस स्वरूप ना हो जो आंखों से दिखाई ना दे और जिसे आप छू ना सके फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस बिट्रेयल पेट्रियोटिज्म या डिवेलपमेंट नेम्स और फीलिंग्स ऑफ इमोशंस आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स mostly uncountable आर मोस्टली अनकाउंटेबल एंड जनरली डू नॉट form। प्लूरल फॉर्म प्रकार के नाउन पे हम आ पहुंचे हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट नाउन है ये है कलेक्टिव नाउन किसी भी गुट को समुदाय को या संघ को अगर साथ में इंडिकेट करना हो साथ में उसके बारे में कहना हो तो हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो फनी भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं जैसे क्या आप जानते हैं व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ क्रोस नो नॉट द नाइट्स वॉच वो गेम ऑफ थ्रोन्स में था इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ क्रोस इज कॉल्ड मर्डर similarly did you know what a group of owls is called in english ulluon ke group ko parliament session there are a lot of amazing collective nouns jaise like a pride of lions a cowardice of dogs a crush of rhinos a herd of buffaloes a flamboyance of flamingos a swarm of locusts etc don't hesitate to comment if you have any doubts and always remember इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं धन्यवाद